होगी अंकल सैम, ट्रंप और जयशंकर के कमेंट वाले सीख की। विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी बेबाक बोल के लिए जाना जाता है। देश हो या फिर हो विदेशी मंच, जयशंकर कभी भी स्पष्ट बोलने से चूकते नहीं है। एक बार फिर उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से अमेरिका और कनाडा की बोलती को बंद कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक के मुद्दे पर खुलकर बात की और इन सब के बीच पत्रकार ने जैसे ही अमेरिकी चुनाव को लेकर पूछा सवाल तो जयशंकर ने चुटकी लेते हुए अंकल सैम को खरी खरी सुनाई। जयशंकर ने जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को संदेश पहुंचा दिया। Like elections in this country, we are holding them permanently. We just been through one, by and large, I mean, our elections are a real, in many ways, a test of the candidate, of the public, of the system, and we continuously pass those tests. So, you know, in that sense, this is a country where you will always see people supportive of democratic processes all over the world. In terms of US elections, you know, we generally don't comment on other people's elections because we also hope others don't comment on ours. और जयशंकर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत में तो ऐसे चुनाव हर साल होते हैं और हमारे यहाँ भी हाल ही में चुनाव खत्म हुआ है, और जहां तक अमेरिका की बात है तो हम दूसरों के चुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं करते और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी हम पर ऐसी टिप्पणी ना करे। जयशंकर की बात सुनकर वहां बजने लगी तालियां और भारत के खिलाफ अमेरिका और कनाडा के आरोपों पर जयशंकर ने कहा कि वो हमें प्रभावित करना चाहते हैं। The American system will throw up its verdict and you know, I'm not saying this just as a formality, but if you look over the last 20 odd years, maybe a little bit more, for us, we have every confidence that we will be able to work with the President of the United States, whoever he or she will be. तो दिल्ली हो या कोलकाता, जयशंकर ऐसी सीख दूसरे नेताओं को कई बार दे चुके हैं। मंच कोई हो, जयशंकर अपने अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। भारत के विदेश मंत्री ने साफ किया कि जो भी जनादेश होगा और कोई भी सरकार आए, भारत उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। बात अमेरिका की है तो राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करना भी जरूरी है। तो इसी कड़ी में टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू को लेकर एलन मस्क ने खूब माहौल बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्स पर इंटरव्यू देने को लेकर खूब खुशी जाहिर की और इस इंटरव्यू के ब्रॉडकास्ट में बार बार तकनीकी खामियां आईं। ट्रंप ने ईरान, हिजबुल्ला, हमास से लेकर रूस, यूक्रेन तक का जिक्र किया और बाइडेन को खूब खरी खोटी भी सुनाई। ट्रंप ने इंटरव्यू में खुद पर हुए हमले पर पहली बार खुलकर बात की। ट्रंप ने हमले की यहां पर हमले को कड़ी चोट बताया और आइए आपको इसमें ये भी बताते हैं इस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या ऐसी खास बातें थी, कौन कौन सी बड़ी बातें थी। तो देखिए, अब बात की बड़ी बातों की कर रहे हैं तो ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के पीछे हटने को तख्ता पलट बताया। यहां पर बाइडेन को उन्हीं की पार्टी ने रेस से हटा भी दिया। बाइडेन हटना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें हटाया गया। बाइडेन का आईक्यू लेवल बहुत ही कम है। बाइडेन राष्ट्रपति पद पर बने रहने योग्य नहीं है। बाइडेन को मैंने लाइव टीवी डिबेट में बुरी तरीके से हराया और बाइडेन के साथ साथ कमला हैरिस को ट्रंप ने आड़े हाथों लिया। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो देश बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कमला हैरिस पर मीडिया के सवालों से बचने का आरोप भी लगाया। ट्रंप बोले कि उनकी स्पीच सुनने के लिए भीड़ नहीं उमड़ती है। बॉर्डर संकट का सामना करने में असफल रही है कमला हैरिस। मिडिल ईस्ट में तनाव और जंग पर ट्रंप का बड़ा यहां पर बड़ी बातें रही, कुछ बड़े ऐलान रहे। वो कहते हैं, मैं होता तो यूक्रेन और गाजा का युद्ध होता ही नहीं। यूक्रेन युद्ध के लिए पूरी तरह से बाइडेन ही जिम्मेदार है। मैं राष्ट्रपति होता तो ईरान हमास की मदद करने की हिमाकत ही नहीं करता। ट्रंप ने पुतिन और किम जोंग को स्मार्ट लीडर्स बताया और अपने देश की सुरक्षा को लेकर पुतिन किम जोंग हमेशा एक्टिव रहते हैं ये बातें कही। पुतिन को यूक्रेन पर हमला नहीं करने की सलाह दी थी। पुतिन और शी जिनपिंग जैसे लीडर्स अमेरिका की बातें सुनते थे। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका की अब कोई नहीं सुनता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के इस इंटरव्यू की पूरी दुनिया में चर्चा है। मस्क के एक्सपर्ट ट्रंप की वापसी हो चुकी है और ऐसा ये माना जा रहा है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर दिया है। खबर है
कि ट्रंप के बाद मस्क कमला हैरिस का भी इंटरव्यू लेंगे, जिनका अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप से सीधा सीधा मुकाबला है। प्रचार के दौरान एलजीबीटी से लेकर महिलाओं के मुद्दे को उठाकर कमला हैरिस ट्रंप को हराने का दम भरती हुई नजर आ रही हैं। But make no mistake, that being said, our campaign is not just about us versus Donald Trump. It is about, and I love you both. Our campaign is about two different visions for our nation. One, ours, focused on the future. The other, focused on the past. And Arizona, we fight for the future. तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ट्रंप और हैरिस के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। उधर भारत साफ कर चुका है कि 20 साल से हमारे अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध हैं, जो नई सरकार के साथ भी उसी तरीके से चलने वाले हैं।